उठा रहा है बीड़ा कि हम जो मानवता कढ़ा रही है, जो चीत्कार कर रही है, जो ज्वालामुखी के ऊपर बैठी है, न मालूम जी कब भस्म हो जाए, कुछ नहीं कह सकते कि कब कब क्या हो जाएगा। जब तक शांति नहीं आ जाती है तब तक हमको मुक्ति नहीं चाहिए, न हमको स्वर्ग चाहिए। तो फिर आप अमर होके आए हैं क्या? हाँ बेटे, इसमें तो कोई शक नहीं। कौन कहता है अमर होके नहीं आए? बता, सब अमर होते हैं। जीवात्मा, जीवात्मा अमर रहती है और शरीर बदल दिए जाते हैं। कपड़ा पुराना हो जाएगा, जरूर बदल देंगे, क्यों नहीं बदल देंगे? और बेटे हमको तो जल्दी बदलना है। बदलेंगे और फिर जन्म लेंगे, फिर काम करेंगे। अरे काम करना है, बैठना नहीं है। बैठना तो एक दिन क्या, एक पल भी जब निरर्थक जाता है तो ऐसा मालूम पड़ता है कि हम सारे संसार के सामने हम गुनाहगार हैं। कि एक पल जो मनुष्य का शरीर मिला था वो किस तरीके से आपने बर्बाद कर दिया। नहीं, बर्बाद नहीं करना चाहिए, कुछ सार्थक करना चाहिए। उस ओर कदम बढ़ रहे हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपके भी उसी ओर कदम बढ़ने चाहिए जो मैंने अभी आपके लिए कहा था। जिस दीपक से रोशनी नहीं मिलती हो, जिस दीपक की लौ ऊपर नहीं उठती हो, वो दीपक नहीं होता है। वो समय से पहले बुझ जाता है, मर जाता है। मैं कभी कभी बच्चों से कहती रहती, बेटे हो तुम मरे हो के जिंदा? अरे माता जी, आपके मुंह से ऐसे शब्द शोभा नहीं लगते। हाँ वास्तव में नहीं लगते बेटे, मैं माँ हूँ, तुम्हारा शब्द कैसे है? नहीं पर बेटे, वो तो मेरी सबके लिए शुभकामना है, अपने बच्चों के लिए। पर मैं तो एक बात कहती हूँ, हिम्मत की दृष्टि से और साहस की दृष्टि से, मनोबल की दृष्टि से, आप गए गुजरे हैं, मर गए कि जिन्ना है? पड़ोस की आग आपको दिखाई पड़ती है कि नहीं? अपना घर आपको दिखाई पड़ता है और दूसरे के घर में आग लग रही है, तो आपको मैं क्या कहूँ? फिर आपको मुर्दा ही कहना पड़ेगा, चाहे आपको अच्छा लगे तो, बुरा लगे तो। सही बात तो कहनी पड़ेगी। तो आप जिंदा बनिए, रोशनी आपके अंदर से, वो रोशनी निकलनी चाहिए। कई बार तो मैं ये कह देती हूँ कि आप संत की संतान है और ऋषि की संतान है और शेर की संतान है। शेर कैसा होता? धड़धड़ाता हुआ चलता है, धड़धड़ाता निकलता हुआ चला जाता है। और क्या मजाल कि उसकी तरफ कोई आंख उठा कर देख जाए? क्यों उठा कर देखे? उसमें हिम्मत है ना, सारे भाग जाएंगे, जितने भी और जानवर होंगे सब भाग जाएंगे। हाथी जैसा जबरदस्त, वो भी भाग जाता है। वो मनोबल आप में है कि नहीं है? है तो आप, मैं मानती हूँ कि आप गुरु जी की पक्की संतान हैं, नहीं तो मुझे नकली कहना पड़ेगा। नहीं खैर, ऐसी बात तो मैं नहीं कहती कि आप लोग आस्था लेकर के आए हैं और व्यक्ति निष्ठा लेकर के आए हैं, तो ये शब्द न मुझे शोभा देते हैं और आपके गर्व के अनुकूल भी नहीं है। मुझे ये नहीं कहना चाहिए, पर मैं तो ये कह रही हूँ कि आप हिम्मत पैदा करिए। थोड़ी सी भी आप हिम्मत पैदा कर लेंगे तो फिर देखिए आपका घर स्वर्ग बनता है कि नहीं, और आपका क्षेत्र स्वर्ग बनता है कि नहीं। आप जरा निकलिए तो सही, जरा घर में से उठिए तो सही। आप तो उठना भी नहीं चाहते, आप उठना नहीं चाहते तो बताइए कौन उठाएगा आपको? कोई नहीं उठा सकता, चाहे गायत्री माता आ जाए, चाहे गुरु जी आ जाए, और चाहे दादा गुरु आ जाए, सारे इकट्ठे हो जाए, तब भी आपका कुछ बनने वाला नहीं है। क्यों नहीं बनने वाला है? ना आपने भीतर से हिम्मत पैदा नहीं की है ना। आप जिस दिन हिम्मत पैदा कर लेंगे तो आपके साथ एकाएक सहयोगी हो जाएंगे। इतने हम तो हैं, हमारी बात तो जाने दीजिए, हमारे तो आप बच्चे हैं। गुरु जी विशुद्ध माँ हैं। माँ तो माँ होती है, लेकिन पिता माँ है। उनके दोनों ही रूप है, पिता का भी है, माँ का भी है, दोनों ही है। करुणा से लबालब, दया से वो लबालब है बेटे। और बच्चों को ऊंचा उठाने के लिए तो कई बार कड़े शब्द जानबूझ के कहने पड़ते हैं। हमको भी अच्छा थोड़ी लग रहा है आपसे हम कह रहे हैं, पर कहीं चुभे तो सही,
भीतर जाए तो सही, इनके जाए तो कुछ समझे तो सही, सोचे तो सही, इसके लिए बाध्य तो हो। जिस दिन ये बाध्य हो जाएंगे तो बस इनका कल्याण ही हो जाएगा, कल्याण ही हो जाएगा। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।